नमस्कार बच्चों बच्चों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों हम कक्षा 9 का अध्याय 5, अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, इसको करने जा रहे हैं। आपको पता ही है इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और इस अध्याय का जो बचा हुआ हिस्सा है अब हम उसको करेंगे। और अध्याय के इस भाग में हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार जो ये अधिकार हैं किस प्रकार इनका दायरा बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं। दूसरे देशों की तरह भारत का संविधान भी भारत के नागरिकों के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये जो अधिकार हैं किसी भी मानव के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए इनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। और जो भारत का संविधान है भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के प्रमुख नागरिक अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, और छठा और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम एक एक करके इनके बारे में अब जानेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार। अब जैसे ही नाम से पता चलता है समानता का अधिकार एक प्रकार से कानून का राज, अर्थात यहाँ के जितने भी नागरिक हैं चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है चाहे कोई आम व्यक्ति है, उन सबको कानून के समक्ष बराबर माना गया है और सबको एक समान समझा गया है। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहित अर्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नानघाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ध्यान रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे।
किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आज़ादी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को या सरकार को हमारे मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो नागरिक हैं अपने ढंग से जैसा चाहें वैसा करें, अर्थात उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी भी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, यही स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। और जो संविधान है हमारा, हमें भारतीय संविधान 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा है देश के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता, और छठा है कोई भी पेशा अपनाना, कोई भी धंधा चुनना या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान या भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे या इनके बारे में जानेंगे। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति अर्थात अपने आप को व्यक्त करना किसी भी रूप में, चाहे बोलकर चाहे लिखकर, हम जो कहना चाहते हैं वो हम अपने भावों के जरिए उसको चाहे लिखकर चाहे बोलकर प्रकट कर सकते हैं। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, संभव है कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका अर्थ है कि हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखना है कि जब हम जो कह रहे हैं वो किसी की भावनाओं को किसी भी तरह की ठेस न पहुंचाए। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगली जो स्वतंत्रता है वो ये है कि नागरिक कहीं पर भी जमा हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं। उनको संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। वे सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। और इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो तीसरी स्वतंत्रता है वो है संगठन या संघ बनाने की। जैसे जो मजदूर होते हैं अपने हितों के लिए अपने संगठन बना लेते हैं या संघ बना लेते हैं, उसी प्रकार अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है या नागरिकों के समूह को ये लगता है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
तो वो उसके खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं और इस प्रकार भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये भी नागरिकों को स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति दिल्ली से चेन्नई जा सकता है या कलकत्ता से अहमदाबाद जा सकता है, देश के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक आ जा सकता है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं। और एक स्वतंत्रता ये भी मिली हुई है कि हम देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, यानी अगर हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं और दिल्ली में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, और अगर दिल्ली में रह रहे हैं चेन्नई में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। और एक स्वतंत्रता हमें ये भी मिली हुई है कि हम देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, रह सकते हैं। पहले तो सिर्फ यही था कि आ जा सकते हैं, साथ ही ये भी है कि हम बस सकते हैं और रह सकते हैं। देश के एक हिस्से से निकल करके हम दूसरे हिस्से में जा करके बस सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको वहां पर रहने का या बसने का अधिकार नहीं है, वो कुछ संविधान के द्वारा कुछ चीज़ें नियत की गई हैं, उसके तहत हम वहां पर नहीं जा सकते। जैसे अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे इलाके हैं वहां पर हम नहीं जा करके बस सकते, क्योंकि वहां पर जो कबीलाई लोग हैं उनकी अपनी संस्कृति है और उनकी संस्कृति में हम किसी भी तरह का जो दखल है वो नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो अन्य स्वतंत्रता है वो है कि हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं। हमें सरकार ये नहीं कहेगी कि आपने ये काम क्यों किया। इसी प्रकार महिलाओं को हम ये नहीं कह सकते कि आपने ये पेशा क्यों अपनाया। किसी भी व्यक्ति को अर्थात सब नागरिकों को अधिकार है कि वो किसी भी व्यवसाय को चुने, धंधे को अपनाए और इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाएं। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह भी है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार भी होता है। और अगर हम यहाँ पर पहले वाले दोनों उदाहरण देखें, गुआंतानामो बे और कोसोवो, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो नागरिकों को निजी जो स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है। और जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब समानता का अधिकार यानी लोगों को समान समझ रहा है और स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि नागरिकों का किसी भी तरह से कोई शोषण ना हो और ना ही कोई उनका शोषण करे। संविधान ने खास तौर से तीन बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आम तौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने,
खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। और जो चौथा संविधान के द्वारा दिया गया मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक प्रकार से ये भी स्वतंत्रता ही है। अब भारत क्या है? भारत के संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है आपको पता ही है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वो ये व्यवस्था करता है कि भारत में सब लोगों को अपने अपने ढंग से किसी भी धर्म को मानने का और पालन करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फ्रेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता, औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और पांचवा जो मूल अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आपको पता है कि भारत में बहुत ही तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन एक बात आपने और ध्यान दी होगी कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या कम है, और ये जो कम लोग हैं इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। और ये जो अल्पसंख्यक हैं अपनी संस्कृति को बचा करके रखें उसके लिए जरूरी था, संविधान के निर्माताओं के द्वारा ये सोचा गया कि इनको कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि ये अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचा करके रखें, उसका संरक्षण कर सकें। अगर बहुसंख्यक अपने ढंग से चलने लगे तो फिर ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी जो भाषा है और जो संस्कृति है वो नष्ट हो सकती है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, आइए अब हम उसको पढ़ें। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले
किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। और जो छठा और अंतिम मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो अधिकार है ये एक प्रकार से जो हमारे पहले पांच हमने मौलिक अधिकारों की बात की है उनको गारंटी प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये सारे के सारे अधिकार नागरिकों को प्राप्त हों, और अगर इनमें से कोई भी ऐसा अधिकार है जो नागरिकों से छीना जा रहा है या नागरिकों को उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो ये जो अधिकार है ये सुनिश्चित करता है कि अदालत के जरिए या न्यायपालिका के जरिए इन अधिकारों को प्राप्त करवाया जाए। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर सरकार स्वयं ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। अब ये जनहित याचिका क्या होती है? शब्दों से ही पता चल रहा है, जनहित याचिका। जन यानी लोग, हित यानी उनका हित, और याचिका यानी अर्जी, यानी लोगों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत में जो अर्जी याचिका लगाई जाती है उसको जनहित याचिका कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई समूह एक सामान्य से पोस्ट कार्ड पर भी अपनी बात को लिख करके न्यायाधीश तक पहुंचा सकता है और बाद में उसकी बात को, चाहे वो व्यक्ति है या वो समूह है, उसकी बात पर सुनवाई होगी और इसीलिए इसे जनहित याचिका कहा जाता है। तो अभी हमने क्या देखा? भारत के लोगों को जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में हमने जाना, लेकिन मूल अधिकारों के साथ साथ कुछ अन्य अधिकार भी हैं। एक प्रकार से देखें तो ये जो जितने भी अधिकार हैं इनका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। वो दायरा कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, आइए अब हम उसको देखें। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार हैं, उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें
सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो अधिकार हैं वो व्यक्ति के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये जो अधिकार हैं व्यक्तियों को, समूहों को, उनको अपने संघर्षों की वजह से मिले ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके। आइए अब हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में जानें। बच्चों, ऊपर ये जो न्यूज कोलाज बना है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानव अधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की और इस प्रकार 1993 में एक आयोग बना जिसका नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग रखा गया। नाम से स्पष्ट है कि अगर मानव के खिलाफ कहीं पर कोई चीज़ गलत हो रही है, उसके अधिकार को छीना जा रहा है, तो ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये अपने तरीके से उन लोगों को सहायता पहुंचाने का काम करता है। यह एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। पीड़ितों को उनके मानव अधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। तो बच्चों, नागरिक अधिकार के अध्याय के इस दूसरे भाग में हमने जो भारत के लोगों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और साथ में जो अधिकार हैं कैसे उनका दायरा बढ़ रहा है और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आपने इसमें से कितना जाना, कितना समझा, आइए इसको थोड़े से प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर एक, हमारा संविधान नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान करता है? विकल्प हैं 5, 6, 7, 8 और सही उत्तर है 6। प्रश्न नंबर दो, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? विकल्प हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल सही, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न नंबर तीन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, बेगार या जबरन काम लेने का निषेध, बाल मजदूरी का निषेध, ये सभी। अगर हम पहले तीनों ऑप्शन तीनों विकल्प देखते हैं तो तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न नंबर चार,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बनाया गया? विकल्प हैं 1990, 1991, 1993, 1995। तो इसका सही उत्तर है 1993। प्रश्न नंबर 5, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है? विकल्प हैं 2 दिन, 12 घंटे, 24 घंटे, 1 सप्ताह। और बिल्कुल सही विकल्प आपने बताया, 24 घंटे। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अवैध व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री अवैध व्यापार कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें इन अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यह भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 3, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा, पद, चाहे जो हो, सब पर समान रूप से कानून लागू होता है, इसे कानून का राज भी कहते हैं। अब हम एक निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, और अंतिम है कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।